पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर समय से चुनाव कराने के लिए प्रयास कर रही है और माननीय न्यायालय का जो आदेश है उस आदेश पर सरकार एक आयोग बनाकर ट्रिपल टेस्ट कराएगी, उसमें समय लगने की संभावना है तो सरकार इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी। ये बातें मुरादाबाद पहुंचे चौधरी भूपेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान कही गयी। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व के साथ चुनाव हो भाजपा की ये प्राथमिकता है और जहां तक आरक्षण का विषय है पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बगैर चुनाव कराने की कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती। इसके लिए जो भी सरकार को विधिक कार्रवाई करनी होगी वो करेगी। इस दौरान कांग्रेस पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास आप जानते हैं। कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व को माना ही नहीं, भगवान राम को हमेशा ही काल्पनिक बताया है, लेकिन अब ये देश की जनता की जीत है कि जो लोग भगवान राम के अस्तित्व को नकारते थे वो अब मंदिर मंदिर मठ मठ घूम रहे हैं, जनेऊ डाले अपना गोत्र बता रहे हैं और उनके जो सहयोगी हैं उनका व्याख्यान कर रहे हैं। सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर समय से चुनाव कराने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन माननीय न्यायालय का जो आदेश है उस आदेश पर सरकार एक आयोग बनाकर और ट्रिपल टेस्ट कराएगी, इसमें समय लगने की संभावना है तो सरकार इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी। सभी वर्गों को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व के साथ चुनाव हो ये भाजपा की प्राथमिकता है और जहाँ तक आरक्षण का विषय है पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बगैर चुनाव कराने की कोई भी कल्पना नहीं और इसके लिए जो भी विधिक कार्रवाई सरकार को करनी होगी उस सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी के नेतृत्व में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए उनके उत्थान के लिए काम किया है और पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम हो या अन्य संस्थाओं में आरक्षण वाला विषय भी हो केंद्र सरकार ने उस पर काम किया है। जो लोग इस बार घड़ियालू वहाँ से बाहर आए वो पिछड़ा विरोधी हैं और उन्होंने कोई भी काम पिछड़ों के हित में नहीं किया है, वो एक परिवार की पार्टी हैं, एक बिरादरी की पार्टी हैं और उनके एजेंडे में अपना घर अपना परिवार पहले है, समाज बाद में। इसके अलावा क्या बोलते हैं? नहीं, माननीय न्यायालय का जो आदेश है, लेकिन सरकार के पास विकल्प हैं, उन विकल्पों का सरकार इसमें उपयोग करेगी और विधि सम्मत न्याय सम्मत सबको आरक्षण मिले इसी आधार पर सरकार ने एक आयोग का गठन करके ट्रिपल टेस्ट कराकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। उधर राहुल गांधी ने एक बार फिर जो राहुल गांधी को भगवान राम का दर्जा दे दिया है, भगवान राम बता रहे हैं उनको सलमान खुर्शीद। अब कांग्रेस का इतिहास आप जानते नहीं, कांग्रेस ने कभी भगवान राम के अस्तित्व को माना नहीं, भगवान राम को काल्पनिक बताया उन्होंने हमेशा, लेकिन अब ये देश की जनता की जीत है कि जो लोग भगवान राम के अस्तित्व को नकारते थे वो अब मंदिर मंदिर मठ मठ घूम रहे हैं, जनेऊ डाले घूम रहे हैं, अपनी गोत्र बता रहे हैं और उनके जो सहयोगी हैं उनका व्याख्यान कर रहे हैं। इसके अलावा अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी दस्तक, क्या लगता है कि कितना बदलाव इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, पहले तो बदलाव कांग्रेस को करने की ज़रूरत है, राहुल गांधी जी को अपने परिवार एक पार्टी एक जगह करने की ज़रूरत है। इतने धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है, खंड खंड बट गई, हर जगह अलग चार चार दस दस ग्रुप हैं और वो आपस में जनता अगर उन्हें कहीं विश्वास मिला भी है तो वो जनता की समस्याओं में उनकी रुचि नहीं है, आपस के झगड़ों में रुचि है उनकी। सलमान खुर्शीद राहुल गांधी को उत्तम पुरुष बता रहे हैं कि बहुत सलमान खुर्शीद के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।